सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करतनी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार होके, धरती पर बैठल धरती माता के प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम स्वीकार होके, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम स्वीकार होके, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम स्वीकार होके। आई दीदी, आप लोग के बीच में वो कथा लेके आयल बनी, बड़ा सुंदर कथा बा। एक दिन के बाद बा महादेव कैलाश पे रहनी पार्वती माता, महादेव के मन में भइल कि सबके उ हमार चर्चा करता, सबके हमार पूजा करता, आ चला आज हम परीक्षा लेब अपने शिष्य लोग के हमरा के दान कर सकता। महादेव ऐसा दुविधा में डाल के आईनी, पार्वती माता कहनी अरे राउर तो लीला परम्पार बा, का कैसन कैसन रो लीला रचावनी हमरा बुझाला नहीं महादेव, अब का करे रो धरती पर जातनी, आ तू देखल कर से हम का कर जातनी, का कहनी महादेव धरती पे आनी, धरती पे अला के वास्ते एगो लीला रचनी, एगो चम्मच दूध ले लेनी, आ एगो चौरे के दाना ले लेनी, पूरा गांव में घूमे लगनी, कहनी कि देखी के हमार शिष्य लोग भाई खीर बना के हमके खियावता, सबके घरे जाए शिष्य लोग के कहनी कि बच्चा लोग हमरा के खीर बना के खिया दलो, हम सामान ले आयल बनी, बस खीर बना के खियावे के बा, कह ले आई बाबा दे बना तनी, जब देख लो एक चम्मच दूध आ एगो दाना चाउर के तहतर भाग भाग एजा हमनी के घरे बन पाई, बुझा तो पागल बड़न बाबा एक चम्मच दूध लेके आयल बड़न, आई बाबा देखो ना एक चम्मच दूध लेके आके कहतरन कि एक चम्मच दूध के खीर बना के खियावलो, एक चम्मच दूध कौने और के बा खीर बनता इतना में, सब केहू के दुआरे दुआरे बाबा गईनी आ कहनी कि हमरा के खीर बना के खिया दलो, लेकिन केहू खीर बना के ना खिया पावल। एक दिन का भइल कि महादेव जब सब कहीं से हार गईनी केहू ना खियावल, तो फिर महादेव कहनी एगो भक्त हमारा और बा, चल तनी आज ओकरे पास, आ ओकरे पास कहम कि तनी हमरा के खीर बना के खियाओ, कहीं वो खिया देवे, का कैली कि वो महादेव के भक्ति में लीन रहली, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप करत रहली, आ उ का कर तब्बे उनकर नींद खुले जब मांगे के रहे, उ का कर जा आ एक टाइम के खाना मांग लो खा लो ओकरे बस चली आव, फिर आके बाबा के ध्यान लगा लो, फिर जा फिर मांग फिर खा ओकरे बस आव, कच्चा अनाज नहीं मांगो। अलन महादेव तो कहलन कि ए बालक अरे आँख खोल तू, तब बोलली नहीं कुछ। कुछ देर बाद जब उनकर आसन पर से बाबा के जो सुमिरन करत रही पूरा भइल, तो आसन पर से उठली कहली बाबा प्रणाम करतनी, का कहतनी बाबा, आ तो कहती ए वानी बालक हमरा के खीर खाए के मन बा, आ बड़ा भूख लगल बा, कहतनी तन खीर बना दे तू, कहली बाबा ले आई बना देतनी, लेकिन ए बाबा देखी ना हम तो मांग चांग के खाए वाला आदमी, हमार बस एगो झोपड़ी बा, बस एगो रात बितावे नी गुजर करे नी, कुछ बर्तन उर्तन नहीं के बाबा, हम जाने दुआरे दुआरे तो खाना मांग के खा लेनी, लेकिन हमारे पास बर्तन तो नहीं कि हम बनाए के में। महादेव कहनी अरे जा ना घर में देखो कोनो बर्तन होई, जब अंदर गईली कहली नहीं के बाबा, फिर कहना महादेव की जा देख, जब अंदर गई देखो तेरे बड़का बड़का भगवान बा, तब कहत रहन महादेव की जा देखा घर में कुछ तो होई, कहली अरे महादेव कुछ नहीं खे हम जाना तनी कुछ बनेबे नहीं करनी तो रही का, आ तो जान बालक एक बार देख गईली, कहली अच्छा बाबा रुकी रहो तसली खाती आ तनी, जब गईले तो गईली तो देखा तेरी बड़का बड़का भगवान सब बर्तन बा, तो तेरे बाबा बर्तन तो बा हमारे घरे, आ तो बर्तन बा न तो हाँ हमारा पते ना रहल बाबा बर्तन बा, आ तो बर्तन बा तो ले आव वही में बनाव, कहली बर्तन ले ली रखेली पोतेली, फिर कह तेरे बाबा बर्तन तो बाटे लेकिन ना माचिस बा ना चूल्हा बा बनी के में ना लकड़ी बा। महादेव कहनी घर में जा तरे लकड़ियो होई, तो कहली बाबा लकड़ी पर खाना बनबे ना कर तो लकड़ी कहाँ से रही, अरे जा तो गईली तो देख तरी लकड़ी बा आ ईटा बा, का कहली ईटा सजली ईटा सज के ऊपर बैठावली, कहली बाबा ईटा बा लकड़ी बा आ तो बा न ले आव, आ ना तो मन होके तो गैसे बना लो, तो कहली नहीं बाबा हमके गैस जरावे नहीं आवेला, ये लकड़िए पर हम बना दे। महादेव कहनी ठीक बा बनाव, का करी रखिया पोतिया के बैठा दिली, कहली महादेव अब ए बाबा अब का करी, आ तो का करबू एक आधा भगवना पानी डालो खूब बड़वन हंडा रहे। महादेव कहनी कि एमें पानी डालो, आधा पानी डाली, कहली बाबा एक के चम्मच दूधवा भाई तो खीर पते ना चली तो भात हो जाए, आ तो कुछ ना हो तू डालो आधा भगवना पानी डल ली, ओमे एक चम्मच जोन दूध रहे वो डल ली, आ एगो चाउर रहे वो के हाथे से मल के धोली है, धो के ओमे डाल दिली, कहली बाबा धो के तो डाल देनी अब बदकता, ये बताई काजू बादाम कुछ है नहीं के सादे बनी की खीरिया, कहले अरे सब बात तुहरे घर में जा तो गईली तो देख तरी चीनी बा इलायची उलायची बा खूब बकायदे
इलायची उलायची कूट उट के ओमे बना के डाल के बनौली। ओकरे वजह से कहलिए बाबा अब का करी, पत्तल उत्तल तो नहीं तो खाब के में आ पत्तल उत्तल तोरे घर में सब बा, एगो काम कर जा गाँव में जितना शिष्य लोग बा शिष्या लोग बा तोहार गुरु बहिना गुरु भाई लोग बा सब जानी के नेवती आव कि हमारे घरे आज भोज करे के बा। कहली बाबा इतने खिचड़ी बा इतने खीर बा, ये खीर में के खाई आ तो तू जा। कहली अच्छा ठीक बा। का कैली गईली सबके कही अली कि हमारे घरे आज दावत बा, सबके हमारे घरे नेवता बा हमारे घरे खाए गल। कह लगल कि भाई अभी कह तरी कि हमारे घरे आज खाए के बाटे, हमारे घरे आवे के बाटे, आ का खाइन का खियन ही बूढ़ा ई का खियन करे पर तो खुदे नहीं खे तो मांग मांग हमनी के गांव से हमारे घर से मांग मांग खात रही है, आज हमनी के भोज करावे के कह तरी। अब सब लोग सुनल तो एक आदमी के साथे एक आदमी फ्री पूरा गांव भर के नेवतले रही तो पूरा घर भर आई खाए खाती। अब कहली बाबा सब केहू के तो कहा गई बा ई बताई पत्तल उत्तल है नहीं के दरी उरी है तो उतना आदमी कहाँ खाई बैठ के। महादेव कहनी कि तू चिंता मत कर घर में से जा पत्तल निकाल। कहते पत्तल कहाँ बा तो पत्तल हो गई अंदर पत्तल निकली गिलास निकली गिलास पत्तल निकाल के बाहर ले आई लो। बाहर ले आईले के बाद का बैल कहली बाबा कि अब एलों के हम बैठाए कहाँ। महादेव कहनी सब केहू बैठ जाई हाउ जौने पर सुते लुओ के बिछाव। कहली एती मुखी तबा तो बिछाव त जब खोले लगली बिछावे लगली तो बढ़त गई बढ़त गई बढ़त गई आ नगदे उनके गांव के 5,000 से ऊपर लोग आ गए खाए खातिर। सब जानी के महादेव वही पे बैठा देने सब के वही पे आ गए सब के बैठ गए। ओकर बाद से का कैली महादेव पत्तल बिछवैनी आ महादेव अपने हाथे से सबके परोस परोस के परोस परोस के खीर देहनी। कहनी बालक इन सब लोग के खियाब ए लोग के पेट भर ओकर बाद से हमनी के खाइल जाए। सब केहू के खिया दे अली खियावत गली सब केहू खा ले आशीर्वाद दे दे अपने अपने घरे गए खुश हो के अपने घरे गए कि बुढ़िया बताओ ई बूढ़ हो के आ देखो हमन के भोज कर सी है बुढ़िया आ का कैले सी भीख मांगिन रहिय सबसे हमने घर से भीख मांग मांग खाते देखो ना हमन के खियावती है। सब केहू का बैल खा ले खा खा के अपने अपने घरे चल गए। जब सब केहू अपने अपने घरे चल गए तो कहली कि बाबा अब रौरो खा ली तो कहना कि नाई बालक दू गो थरिया में खाना निकाल तू खा अबे हम बाद में खाए। कहली नाही रौरो साथे में खाए उ जान गए लाली कि जरूर कोनो देवी देवता हलो लेकिन कहली नाही कहली कि नाही पहले रौरा खा ली तब हम खाए। महादेव कहनी दू गो थरिया में निकाल दू गो थाली में खाना निकल ली एगो अपने खैली एगो बाबा के देहली। बाबा कहना कि सोचे लगनी कि गौरा माता बवाल कह दी अगर उनके साथे खाना नहीं खाए तो का कैली महादेव कहनी कि गौरा माता गौरा जौन बाड़ी हमार बवाल कह दी वही जा हमार लैका गौरा जोहत होइलो हमरा के। कहली कि एक काम करो माता ये खाना जौन बाटे हमरा के पैक करके दे दो हम लेके चल जाता नहीं आ कहीं जगह ही मिली भूख लागी तो जा खा ले आ तू खा लो। शिष्या का कैली प्यार से बाबा उनके खियौना बैठ के खूब प्यार से खाना खियौनी खाना खा ले अली। ओकरे बाद से का भइल कि कहना महादेव कि अच्छा शिष्या अब हम चलो तनी। कहली बाबा तो चलो तनी ठीक बरू इतने खाना लेके जा तनी है इतना खाना बचल बा बताई फेंकाई का होई। महादेव कहनी कि कुछ ना होई अपने झोपड़ी के चारों कोना गढ़ा खोनिया गढ़ा खोन के आ सब जगह गढ़ा में डाल दिया खीर के तुप दिया आ ओकरे बाद से जौन बीच में बाटे बीच में जहाँ सुते लू ओजा गढ़ा खोन के आ वही में तुप के ओकरे बाद से ओकरे ऊपर सुत रही। कहली अच्छा ठीक बा। का कह लीजिएगा बाबा कहना वही चारों ओर सोना जोन चारों ओर रहे ओमें खीर डाल के तोप देली आ सुत गई। महादेव उनके ऐसा नींद दे देहन कि सुबेर ले उठली ना ही बहुत देर हो गई देर के बाद उठली। जब उठली तो रातों रात पूरा घर दुआ चारों कोना से सोना झलकता। अब देखली तो कह तरी उठली तो कहते अरे बाप ये कहाँ से सोना चाँदी के माहौल में हम आ गए नी ये कहाँ से सुत गए नी। अब खुश हो गई बड़ा महादेव के इतना कृपा भइल बूढ़ा का कैली वही झोपड़ी मड़ई में से झोपड़ी मड़ई से महल अटारी बन गई वही में रहे लगली। नौकर चाकर सब केहू अपन काम करे लागल आई बैठ के अपन आराम से ओमे भजन कीर्तन कर आए अपन चलत रहे। आ देखी दीदी कितना महादेव के दया बरसल आ महादेव कितना दयालु बानी कि आ महादेव कितना भोले भंडारी बानी कि एक चम्मच दूधे में आ एगो दाना चौरे के खीर पूरा 5,000 से ऊपर लोग खाई बताई कितना वहाँ के अंदर दया बा कितना शक्ति बा बाबा के।
ऐसे आप सब लोग महादेव के चरण में जुड़ी। अरे वो तो देव के देव महादेव हई, भोला भंडारी जौन हमार बानी, पूरा लोक के चलावेनी। आप लोग के भी दया करब, हमरा पे दया कैले बानी, तरोरो पे दया करब। एक बार शिव गुरु के चरण में आके देखी, शिव गुरु के अपन अपना के देखी, बहुत आपके फायदा हो दीदी। तो आज खाती बस कथा इतना ही। बोलिए हर हर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। हमार कथा आप लोग के कैसा लागल हमरे कमेंट में जरूर आप लोग लिख के बताएं हम लोग के कैसा लागल। और कमेंट में हर हर महादेव लिखल मत भूले, हर हर महादेव लिखला से बाबा के एगो नाम जनवा एगो जड़ी है। आप लोग के बहुत फायदा होई, सब रोग दुख परेशानी से आप लोग दूर रहब। और शिव जी के चरण में ऐसे लागल रही, हमार कथा सुनत रही, भजन सुनत रही, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दिल करी। जो चैनल पे नया बा वो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट में हर हर महादेव लिखल मत भूले हम लोग। तो बस आज शिव गुरु के चर्चा शिव गुरु के चरण में विराम करतनी। धन्यवाद।